तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस वैकेंसी के बारे में। ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा वैकेंसी आया है, तो अभी कुछ कुछ फॉर्म फिलअप किए हैं और एक और फॉर्म फिलअप करेंगे। हमारे ही जान पहचान के हैं, तो वो अभी आया है। पिछले साल फॉर्म फिलअप करने आया था, बट उसका एज नहीं कम्प्लीट हुआ था, अभी फिर से 18 साल से ऊपर हो गया है। पिछले साल रजिस्ट्रेशन कर रहे थे लेकिन लिखा रहा था यू आर नॉट एलिजिबल क्योंकि एज कम था। तो इस बार फिर से अप्लाई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि साइकिल 5 में नहीं हुआ था। इस बार एज ज्यादा हो जाना चाहिए, अभी तक चेक नहीं किया, बट अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो देखेंगे लेकिन यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगा कि जो चीज होगा वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको कैसे फिलअप करना है, मोबाइल से, आईपैड से, टैब से, जो भी है, कंप्यूटर से, सबसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके लिए 100 रुपीज लगता है, जो कि आपके पास अगर एटीएम है तो फोन पे है तो उससे काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी फिलअप करते हैं। ओके, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद जीडीएस सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन आ रहा है। ठीक, और ये वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, फेक नहीं है। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in। तो यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे स्टेज 1 में जाएंगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाके करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे। सर्वर डाउन है का? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मांग रहा है हमसे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देना है 7085। उसके बाद ईमेल आईडी आकाश बारी @gmail.com एक बार वैलिडेट कर ले। वैलिडेट करना पड़ता है, उसके लिए ओटीपी जाता है। देखो तो मोबाइल में ओटीपी क्या। Small d 16 16 small b small b। उसके बाद यहाँ पे ईमेल को भी वैलिडेट करना पड़ता है। ईमेल पे जाएगा ओटीपी। हाँ, जीमेल को ओटीपी देना। अच्छा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली हुआ था इसे, तभी हम भूल गए थे। ठीक है, देखो ईमेल पे गया। 2 2 small d small a small a 84 8 8 सबमिट ओटीपी। यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। चलिए, ईमेल आईडी वैलिडेटेड सक्सेसफुली लिखा गया। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है थर्ड नंबर में एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पे कुछ भी डाल देता है, तो स्कूल सर्टिफिकेट में जो नाम था वो देना पड़ेगा। दो एप्लीकेंट्स नेम। AKASH ओके। उसके बाद कैपिटल स्मॉल का लोचा ना हो, इसीलिए पूरा कैपिटल ही डाल देते। ठीक है, अब सही है। AKASH BARIK। फादर्स नेम देखो तो क्या है, MUKTI। एक साथ BAD स्पेस बारे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 17/9/2005 17 17 17 17 17 17 17। ठीक है, उसके बाद जेंडर। ये डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे से सिलेक्शन लेना करना पड़ता है। तो अभी जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए तीन तरह का ही जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। मेल है, अगर ट्रांसजेंडर होता तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करते, लेकिन नहीं है। कम्युनिटी में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 तरह का कम्युनिटी है। ओबीसी है, ओबीसी डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना।
सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट, वेस्ट बंगाल, सबसे लास्ट में वेस्ट बंगाल। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल कब पास किया है? 2021 में। 2021 चलो ठीक है। उसके बाद इंटर द टेक्स्ट सॉन्ग D3 D Q 6। उसके बाद सब कुछ एक बार वेरीफाई कर लेंगे। आई थिंक सब कुछ सही है। सबमिट मारेंगे। एक मिनट, साइन सब भी तो मांगेगा, देखते हैं। फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अपलोड फोटो, फोटो अपलोड करने बोल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन तभी नहीं हुआ क्योंकि फोटो और सिग्नेचर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको 50 और फोटो शायद 50 KB और सिग्नेचर 20 KB का अंडर रहना चाहिए आपका। तो अभी फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार देखते हैं जा करके होता है कि नहीं। ओ भाई साहब, देखते हैं। आधार यहाँ पे बोल रहे देने के लिए, आधार नंबर 96। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी? नो। टाइप ऑफ डिजेबिलिटी कुछ नहीं है, नो कर ही दिए तो क्या दिक्कत। लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ा था? बंगाली और हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो वो सब लैंग्वेज थोड़े ना। अच्छा, बंगाली, इंग्लिश। अच्छा, ये उसके लिए है जो उधर से अरुणाचल प्रदेश सबसे भरना चाहता है। खासी सब भी मैथिली से, मैथिली बिहार बंगाली है। लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल बंगाली। वेदर इम्प्लॉयड? नो, कभी तो इम्प्लॉयड नहीं हो। नो। वेदर NOC अवेलेबल? नो। अब यहाँ पे देखिए, अपलोड फोटो करने बोल रहा है, फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे जा कर के चूज फाइल में रहते हैं। नहीं, इधर नहीं, जापिया में। चलो ले लिया है। अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे सारा चीज देखेंगे वेरीफाई करके। ओके, आई थिंक सब कुछ ओके है। कम्युनिटी OBC है और ये सब ठीक है। बंगाली ठीक, कुछ नहीं हुआ। सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आता है। एंड यहाँ पे जा करके इस जो चीज़ आप भरे हैं, जैसे मान लो 13 चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट था, उसमें से हमारा 13A में मतलब NOC अवेलेबल है क्योंकि ये एम्प्लॉयड नहीं है। और नाम ये सब देख चेक कर लेंगे फाइनल सबमिट करने से पहले, नाम गलत है कि नहीं है एक बार चेक कर लो अपने, सब ठीक है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है नाम, फादर्स नेम, और उसके बाद आपका कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ। और ये इस मतलब ईयर ऑफ पासिंग वाला है, और आपने लैंग्वेज क्या पढ़ा है 10th में वो भी देना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो 4-5 चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जा करके सबमिट कर देंगे। आई हैव डिक्लेयर डेट आई हैव नॉट डन एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंड अंडरस्टूड डेट माई कैंडिडेचर में बी रिजेक्टेड इफ़ एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड एट लेटर स्टेज। सबमिट कर देंगे, मतलब दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना इतना, प्लीज कीप इट फॉर फर्दर रेफरेंस। फोटो क्लिक कर लो। वैसे मोबाइल पे देखो तो मैसेज गया।
आ गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, कंटिन्यू टू अप्लाई करेंगे, कंटिन्यू टू अप्लाई, ये फर्स्ट स्टेज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है, एंड क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जस्ट अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए है, नहीं तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से है तो यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर एंट्री करने के बाद सर्किल अप्लाई फॉर, ये बंगाली पढ़ाए तो सबसे बेटर प्लेस होगा, वेस्ट बंगाल से भरना चाहिए। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, देखो ओटीपी के डी स्मॉल डी 126 2 F उसके बाद कैप्चा डालेंगे, इसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है और इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड का एड्रेस मुझे दो, आधार कार्ड आपको जो एड्रेस भरना है, एड्रेस डिटेल्स परमानेंट करस्पॉन्डेंट्स एड्रेस सब ध्यान से भरना चाहिए, नहीं तो एक ही कर सकते, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे विलेज का नाम है वसुदेवपुर, उसके बाद पंचायत है मिदनापुर, ठीक है, पिन कोड है 48। इसके बाद कम्युनिकेशन परमानेंट दोनों एक ही है इसीलिए ये भी डाल देंगे, सेम कर देंगे। उसके बाद और सब चीज़ तो पहले से फिलअप था, उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल 2021 था, सेलेक्ट बोर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए जितने भी बोर्ड है वेस्ट बंगाल में सब आ गया, पहला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद 6 सब्जेक्ट, मतलब ICSE बोर्ड का है, ये भी ICSE बोर्ड का है 7 सब्जेक्ट वाला। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 2002 से 2022 तक का ही ले रहा था, उसके बाद वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूलिंग, उसके बाद वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन जिसमें 2016-17-18 में केस भी चल रहा था, अब उस सब को भी लिया जा रहा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये है ना लास्ट वाला, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा, मदरसा वाला को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, देखो सही है ना, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, कैसे मार्क्स में आया था, एक ही चीज़ तो है, मार्क्स में ही दिया होगा। ये सेलेक्ट बोर्ड, बोर्ड सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहा है वेस्ट बंगाल के हैं तो उन लोगों को ये वीडियो के थ्रू ऐसे पता चलेगा कि कौन कौन सा बोर्ड का कैंडिडेट को लिया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर दिखा दिए वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CA किया है तो वो लिखे हैं जो ICSE या फिर CBSE या फिर मदरसा बोर्ड के हैं, तो ओपन स्कूलिंग वाले पूछता है ना कि ओपन स्कूलिंग वाला को लिया जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिकली मार्क्स डिफॉल्टेड आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्योग्राफी कितने आया है, कौन कौन सब्जेक्ट, पहले मैथ्स में कितने आया, मैथमेटिक्स में 90, टोटल 90, मैथ्स में 90, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है GDS सिलेक्शन के लिए। उसके बाद हिस्ट्री में देखो तो कितने हैं, 86। लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस में 87। फिजिकल साइंस में 87 है, 87। उसके बाद और क्या मांग रहा है, ज्योग्राफी में देखो तो है, ज्योग्राफी में 85। उसका सेलेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा लैंग्वेज पढ़ाई किया था, लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज क्या था, बंगाली, बंगाली, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश था सेकंड लैंग्वेज।
बंगाली तो फर्स्ट होगा ना, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली। और भी क्या क्या दिखा रहा था? ओह फर्स्ट लैंग्वेज बहुत सारे यहाँ पे। यहाँ पे संथाली भी चलता है ना, हिंदी भी चलता है, हिंदी नहीं लिया था। बहुत तरह है, फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली हमारा था। कितना नंबर था उसमें? बंगाली में था 85। अब वेरीफाई कर लेना चाहिए। देखो ज्योग्राफी में 85 है, ज्योग्राफी में 85, उसके बाद मैथमेटिक्स में 90, हिस्ट्री में 86, लाइफ साइंस में 87, फिजिकल साइंस में 87, और फर्स्ट लैंग्वेज में 85। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने बोल रहा है? सेकेंड लैंग्वेज बंगाली, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। ओ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में 83। उसके बाद ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट नोट प्लीज इन, नो एडिशनल कंपलसरी सब्जेक्ट ऑप्टेड। कोई एडिशनल सब्जेक्ट था क्या? ऑप्शनल सब्जेक्ट 86। ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लीज नोट 0 इफ नो एडिशनल कंपलसरी सब्जेक्ट। अच्छा इसमें 86 कते था? 86। CGPA तो नहीं था? नहीं। चलो ये सब आई थिंक सब कुछ सही है, नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। प्लीज इंटर डोर नंबर इज प्रेजेंट। ओह डोर नंबर भी दे सर पहले। कितना कितना नंबर है डोर नंबर कुछ मालूम है? यहाँ तो डोर नंबर नहीं चलता है, वार्ड नंबर चलता है। वार्ड नंबर है, 8 नंबर ग्राम पंचायत है ना? हाँ 8 नंबर ही दे दीजिए। सेवन कंटिन्यू पे जाएंगे। चलो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही नेक्स्ट आ रहा है डिवीजन सेलेक्ट करने के लिए, किस डिवीजन से भरना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कितना डिवीजन है, AN, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड डिवीज़न, आसनसोल डिवीज़न, बांकुरा डिवीज़न, बारासत डिवीज़न, बलापुर डिवीज़न, बरुईपुर डिवीज़न, बीरभूम डिवीज़न, बर्धमान डिवीज़न, कोंटाई डिवीज़न, हमारा डिवीज़न ये है कोंटाई, प्लीज़ नोट इट, कोच बिहार डिवीज़न, दक्षिण दिनाजपुर डिवीज़न, दार्जिलिंग डिवीज़न, हुगली नॉर्थ डिवीज़न, हुगली साउथ डिवीज़न, हावड़ा डिवीज़न, जलपाईगुड़ी डिवीज़न, कोलकाता ईस्ट डिवीज़न, कोलकाता नॉर्थ डिवीज़न, कोलकाता आर एम एस डिवीज़न, मालदा डिवीज़न, मिदनापुर डिवीज़न, मुर्शिदाबाद डिवीज़न, नादिया नॉर्थ डिवीज़न, नादिया साउथ डिवीज़न, पुरुलिया डिवीज़न, आर एम एस हावड़ा डिवीज़न, आर एम एस एस जी डिवीज़न, क्या है पता नहीं, आर एम एस डब्ल्यू बी डिवीज़न, सिक्किम डिवीज़न, साउथ कोलकाता डिवीज़न, तमलुक डिवीज़न, उत्तर दिनाजपुर डिवीज़न। कहाँ से भरेगा, कितने डिवीज़न में? एक ही से भर सकता है, एक ही से। हाँ कोई चूज करो कहाँ से भरना चाहिए। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से नहीं, पुरुलिया है, पुरुलिया भरो, पुरुलिया से होने का भी चांसेस है, वहाँ परसेंटेज कम जाता है। ये सब हाई, ये मुर्शिद, मिदनापुर, दार्जिलिंग नहीं, उधर दिक्कत हो, पुरुलिया डिवीज़न कर देते हैं, नियर बाय झारखंड के पास है, इधर का लोग उधर जाना भी पसंद नहीं करता है। चलो यहाँ पे प्रेफरेंस चूज करने बोलता है, तो प्रेफरेंस तो बहुत सारे बाबा, चलो सब भर देते हैं। बहुत सारे सीट है यहाँ पे, आँख बंद करके डालते थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। यहाँ पे देखिए फॉलोइंग पोस्ट आर सोन बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज कम्युनिटी पीडब्ल्यूडी एंड लोकल लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास। मतलब कम्युनिटी पीडब्ल्यूडी और लोकल लैंग्वेज का आधार पे सिलेक्शन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डिसाइड किया जाता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर द पोस्ट प्रेफरेंस नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्सेस अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो ये भर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी 10 भर चुके हैं, इसको ऐसे ही भर रहे हैं नॉर्मली, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है,
सबमिट करने वक्त दिखाता है कि गलत हो गया थी, हो गया जो जैसे है भाग में रहेगा, सिलेक्शन का तो हो ही जाएगा कि नहीं होने का रहेगा तो कतबो कुछ कर लो नहीं है। छियासी सीट है ना, इसको थोड़ा हेर फेर करते हैं, छियासी पचासी चौरासी तिरासी बिरासी इक्यासी, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। सीट तो उतना ही है, सीट तो उतना ही है। और प्रेफरेंस चूज करने का मतलब होता है कि कौन पोस्ट पे तुम लेना चाहता है, सबसे पहला प्रेफरेंस। अच्छा, कोई भी पोस्ट मिल जाए ठीक है, यही इसीलिए आंख बंद करके उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो एक घंटा चूज करने में लगे कौन लेना है कौन नहीं लेना है। ऐसा थोड़े ना कि सिलेक्शन हो गया तब चूज करेंगे, अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे जाएंगे, आई हैव डिक्लेयर डेट आई विल हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड्स द टीआरसी एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू सप्लाइड लाइवलीहुड फॉर माई सेल्फ एंड फैमिली इन द इवेंट ऑफ माई एंगेजमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम बीपीएम डाक सेवक एन एक्सएल फोर। यहाँ बहुत सारे है टर्म एंड कंडीशन, उसको पढ़ लेना है ठीक है। आई हैव अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट द डिटेल्स फर्निश्ड बाय मी इज एड्रेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज का, वैसे कंप्यूटर नॉलेज नहीं लिया है ठीक है। EWS PWD ये जो है सिलेक्शन के बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है नेक्स्टर यानी अंडरटेकिंग, उसमें कंप्यूटर नॉलेज का भरना पड़ता है, मतलब सर्टिफिकेट बाहर से नहीं लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ GDS BPM BPM डाक्षेपक आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इन केस एनी डिटेल्स सबमिटेड बाय मी इज फाउंड टू बी फॉल्स एट एनी स्टेज ऑफ एंगेजमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग एंगेजमेंट माई कैंडिडेचर शैल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड अगेंस्ट ऑल द वैकेंसी अप्लाइड फॉर और आफ्टर माई एंगेजमेंट आई शैल बी टर्मिनेटेड अंडर GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स। I also understood that I shall be liable for criminal legal action for producing any of false details, etc. कहने का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को गलत नहीं डालना है, जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी आपका एजुकेशनल है, जो भी आपका एज है, कुछ भी आपको, क्योंकि एज कम ज़्यादा पे भी फर्क पड़ता है। किसी का मान लो आपका एज 21 साल है, किसी का 26 साल है, तो उसको पहले लेगा, सेम नंबर है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन गलती नहीं डालना, अगर गलत डालोगे तो GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के हिसाब से आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, बिफोर मतलब ज्वाइनिंग से पहले भी और ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकता है, इसीलिए कुछ भी गलत नहीं डालना है ठीक है। यहाँ बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, पढ़ लेना है। अभी यहाँ पे जाके सेव एंड प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज पे द फी टू कम्प्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हो गया और हमारा फॉर्म फिलअप हो गया, यहाँ पैसा भी पेमेंट करना होता है। अब यहाँ पे जो जनरल है मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी का अंडर आता है, जो EWS कैटेगरी मतलब एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन का अंडर आता है, जो OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस का अंडर आता है, ये तीनों को 100 rupees पेमेंट करना होता है और सबके लिए फ्री है। जैसे SC ST हुआ, गर्ल्स कैटेगरी जो भी है ठीक है, जेंडर गर्ल्स कैटेगरी नहीं, लड़की को भी शायद देना पड़ता है, आई डोंट नो, बट जो भी कैटेगरी सेलेक्ट किया OBC EWS और UR उसको 100 rupees कम से कम रखना चाहिए, एंड SC ST फिजिकल हैंडीकैप को नहीं लगता है, इतना कंफर्म है ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर पेमेंट करने बोलेगा तो ज़रूर करना है। ओके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ज़रूर वहाँ पर ले जाएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर देखिए सब कुछ ओके है। यहाँ पर देखिए द वेबसाइट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फी पेमेंट शायद वहाँ से हट गया है, यहाँ पे जाकर हमें चेक करना पड़ेगा फी पेमेंट। फी पेमेंट क्यों नहीं हुआ भाई साहब, सर्वर बिजी चल रहा है का? रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था देखा, 24246। अच्छा बी बी भी है, हाँ हो गया, 488 488 कैपिटल एफ 4। सबमिट करेंगे, OTP जा रहा है, स्मॉल ए ई
स्मॉल ई बी बी स्मॉल बी सब स्मॉल फोर फोर डी डी हाँ डी सेवन सेवन सबमिट करेंगे। फी पेमेंट्स डिटेल्स आर नॉट रिसीव्ड इफ द अमाउंट गेट गो डिडक्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फॉर रिफंड। फी पेमेंट नहीं हुआ गया की पेमेंट क्यों नहीं हुआ? अभी सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। फी पेमेंट करने के लिए तो आप दिए थे, देखो सर्विसेज आने क्या हो गया। अच्छा ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार फिर से दो। 246 246 कैपिटल ए कैपिटल ए 488 कैपिटल डी बी 488 कैपिटल एफ 4 सेलेक्ट सर्कल वेस्ट बंगाल सबमिट। सर द सर्वर थोड़ा सा बिजी चल रहा है, एक बार ओटीपी दो। 2C स्मॉल सी हाँ स्मॉल सी 1 AAB AB AAB डबल AB ओके बस आर डी जी क्यू ए प्लीज पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। ओके अब यार टाइम देगा तभी ना। चलो ऑप्शन आ गया, वाह फाइनली आ गया। हमको लगा फिर से करना पड़ेगा। मैक पेमेंट पे जाएंगे, क्या क्या चीज़ हो रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है, सावधान रहे सुरक्षित रहे। समझ रहा है ना विनोद क्या क्या चीज हो रहा है अभी? विनोद तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज है, नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड QR वॉलेट UPI। ओ भाई साहब QR पे हम जाएंगे, सेलेक्ट योर QR। तो यहाँ पे पेमेंट करने में बड़ा दिक्कत होता है भाई साहब। भीम UPI सेलेक्ट किए हम, देखते होता है। इस तरह का स्क्रीन आपके पास आएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए 4 मिनट 33 सेकंड हमारे पास टाइम है, अभी जाके देखते हैं पेमेंट। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। ओके तो अभी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखिए पेमेंट करने के लिए बोल रहा है और हम यहाँ पे जाएंगे, 100 रुपया हम पेमेंट कर देंगे और हमारा पेमेंट हो जाएगा। गुड हो गया। तो इस तरह से हमने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया है। थोड़ा सा सर्वर का इशू होता है, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि डे एंड होने से पहले आपको अगर मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का उससे उस समय करेंगे तो फिर क्या होगा, सर्वर ऐसे ही हैंग करेगा, इशू करेगा, फिर आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, पैसा पेमेंट नहीं होगा। जैसे अभी फी पेमेंट नहीं हुआ, दोबारा किए तो हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो सेव डाटा है सेव डाटा सेव करेंगे तो फिर जहाँ से आपका कटिंग हुआ था उस समय जा करके नेक्स्ट आप कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो इनका सब कुछ होते जा रहा था इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, फी पेमेंट तुरंत हो गया था, अभी इनका हो गया है। चलिए देखते हैं सिलेक्शन होता है कि नहीं, क्या देखना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज तो अभी बहुत ज़्यादा लेता है। सबको पता है कि हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि इसका 86% है फिर भी कॉन्फिडेंस लूज है। अभी 96 आम बात हो गया, 96 लाना 95 लाना कोई भी ले आता है। सो
चलो आज का यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।